तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बेसिकली क्या है भाई, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। डिफिनेशन, एट्यूनेशन क्या होता है? एट्यूनेशन मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल, जो सिग्नल जो होती है वाइल प्रोपोगेटिंग, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एंटीना से दूसरे एंटीना को जाती है। एक एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना सिग्नल जो भेजा है, तो जब ये रिसीविंग साइड जाती है तो सिग्नल का लॉस हो जाता है मेरे भाई। तो ये जो सिग्नल का लॉस आता है, समझ रहे हो ना, तो उसको हम एटेन्यूएशन बोलते हैं। मतलब ये इसका फोर्स सही है, मतलब ए का फोर्स सही है, तो ये का फोर्स मतलब ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो कि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों साइड लगा रहता है, जो कि एक एनर्जी का फॉर्म, जैसे हम मैं बोल रहा हूँ तो मोबाइल पे बोल रहा हूँ, तो दूसरा कोई सुन रहा है, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और दूसरे साइड इलेक्ट्रिकल को फिर से साउंड में कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करेगा वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म, मतलब बी का थर्ड है, तो बी का थर्ड है मतलब या तो ये सही है या तो ये सही है। सी का देखो, डी मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो डी मॉड्यूलेशन रिसीवर की साइड होता है, कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव को अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग, ये इसका सही है, द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर वेव एट रिसीवर इट, तो सी डी मॉड्यूलेशन सी का सेकेंड सही है, तो सी का सेकेंड सही है, तो ये भी अपना गलत है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये अपना करेक्ट है, फोर्थ वन इज़ द करेक्ट। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है बिटवीन, यहाँ पे रिपीटर, ठीक ना। तो आप आइए, बहुत ही थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है।